ये देख लो भाई कितनी क्यूट है ओ भाई ये इसको सोने दे यार, ऐसे ऐसे लोग आते हैं परेशान करने के लिए क्यों परेशान कर रहे हो उस बेचारी को। मैं हाथ भी नहीं लगा सकता इसे, मुझे डर लग रहा है, सॉरी आई कांट। चलिए बाहर ही चले, मैं यहाँ से इसको टेक ले सकता हूँ। मेरे को तो भाई बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, सीधी सी बात है, मैं नहीं हाथ लगाऊंगा भाई, सीधी सी बात है। बहुत दिन हो गए हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन तुम सबके लिए बहुत प्यार से यहाँ यूके से पेबल्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स। तो भाई आज की वीडियो के अंदर आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि जो टीयर का क्या सीन है ना, टीयर का बताएँगे थोड़ा सा, और बताएंगे कि आपको मतलब अगर ट्रैवलिंग वगैरह करनी होती है, वैसे तो साइकिल ज़्यादा बेटर है ऑप्शन, कि अगर साइकिल ले लोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था कि सस्ती साइकिल्स कैसे कैसे आप बाय कर सकते हो, है ना। और बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आ रही, उसका भी मेरे को पता है कि भाई मैं सच में मतलब बहुत ज़्यादा उसके लिए सॉरी हूँ। और अब से जो है वो रेगुलर वीडियोस आएंगी, और मैं 1 ईयर का चैलेंज लेने वाला हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। और मतलब हाँ 1 साल तक रेगुलर वीडियोस, 365 डेज़ चैलेंज होने वाला है ये, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है, और आप सब लोग वापस से जुड़ जाओ। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को मज़ा आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं आपसे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलो। तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल जी सारे, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। एक और बार आ गई भाई बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो, और मैं जानता हूँ भाई बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रही है, तो भाई माफ़ी देना यार। मतलब मैं क्या बताऊँ, अब एग्ज़ाम्स वगैरह में थोड़ा सा बिजी, मतलब एग्ज़ाम्स तो खैर नहीं होते यहाँ पे, मतलब मेरे कोर्स में तो नहीं है, असाइनमेंट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा बिजी। तो भाई ऐसे ही चलता रहा, फिर उसके बाद अपना थोड़ा काम धंधे में बिज़ी हो गए, तो वीडियो आ ही नहीं पाई। बट भाई अब मतलब आज वीडियो आएगी आपके पास, मैं सुबह ही बना रहा हूँ और दोपहर में आपके पास, मतलब यहाँ के दोपहर में, वहाँ के तो 8 बजे तक आपके पास वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो भाई अभी का टाइम हो रहा है, अभी मेरे हिसाब से 10 साढ़े 10 11 बज रहे होंगे। तो भाई आज की वीडियो जो है वो है टायर के ऊपर, ठीक है। और मैं इस टाइम पे यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स में, अपनी यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ना टायर का स्टैंड है, मतलब पूरा ही देख लो, यहाँ पे बहुत सारी टायर्स खड़ी होती है, यहाँ पे देख लो। तो टायर जो है वो एक ऑप्शन होता है आप लोगों के लिए, अगर आप प्रोविजनल लाइसेंस बनवा लेते हो, जो कि मतलब आपको पड़ेगा 30 पाउंड तक का, 30-35 पाउंड का पड़ता है। और ये देख लो यहाँ पे, मतलब जगह, अगर आप अपना प्रोविजनल लाइसेंस बनवा लेते हो तो आप टीयर ले सकते हो, ठीक है, टीयर चला सकते हो। और टीयर जो है वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है, जैसे अपने इंडिया में भी होती है ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटी, ठीक है, इंडिया गेट के आसपास आपको दिख जाएगी। तो भाई यहाँ पर भी ऐसी होता है, मेरे ख्याल पाकिस्तान का मेरे को नहीं पता, बट हो सकता है पाकिस्तान में भी ये सब चीज़ें चलती हों, ठीक है। तो जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं वो उनको भी मतलब आइडिया लगा लो कि यहाँ पर ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो कोड लिखा है ना, मतलब ये जो कोड है यहाँ पे आपको स्कैन करना होता है। टीयर का एक ऐप होता है, मैं आपको जल्दी से ऐप की तरफ ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको उसे मतलब इसे ऑन करना होता है। और उस ऐप के अंदर ना सबसे, अब तो मैंने लॉगिन कर रखा है, तो आप लोगों को जब आप न्यूली लॉगिन करोगे तो उसके अंदर अपना जो प्रोविजनल लाइसेंस आएगा आपका वो करना पड़ेगा। और प्रोविजनल लाइसेंस के ऊपर भी प्रॉपर एक वीडियो आएगी, टेंशन मत लेना। इसके बाद जो सेकेंड वीडियो आने वाली वो प्रॉपर प्रोविजनल लाइसेंस के ऊपर ही है, ठीक है, कैसे आपने बनवाना है, यहाँ पर आके क्या करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, सब कुछ पता चलेगा। जल्दी से टीयर को ऑन करते हैं, ठीक है। अब जल्दी से पहले आपको ऐप के ऊपर लेके जाते हैं, दिखाते हैं कि भाई कैसे आपने जो है वो टीयर लेनी है, ठीक है, जब आपने लॉगिन कर चुके हो, ठीक है। तो आपको लॉगिन का भी प्रोसीजर मैं आप घर जाके सब कुछ समझा दूँगा, पहले एक बार आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे करनी है। जल्दी से ऐप के ऊपर चलते हैं, चलो। तो भाई जैसे कि सामने देख रहे हो, मैं टीयर के ऐप के ऊपर चला गया। अब जैसे ही मैं स्कैन टू स्टार्ट पे क्लिक करूँगा वैसे ही ये एकदम से ऑन हो जाएगी, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में 1-2 बारी जब आप करोगे तो थोड़ा सा मतलब वो टाइम लेगी स्कैन करने में, फिर उसके बाद ये यूज हो जाती है, अपने फटाफट कर देती है। तो भाई अब जैसे कि आप सामने देख सकते हो ये हो गई है ऑन, ठीक है। और भाई अब इसको मतलब नॉर्मली आप इसका स्टैंड उतारो, नीचे ये जो स्टैंड होता है ये उतार लिया, ठीक है। अब नॉर्मली इसको आप चला सकते हो, एक मिनट को जैसे ये है ना, थोड़ा सा इसको हमने वो करना है, क्या कहते हैं, पैडल, थोड़ा सा पैडल क्या, थोड़ा सा मतलब इसको आपने आगे तक वो करना है। जैसी ये 3 पे चली जाएगी वैसी आप जैसी गो पे दबाओगे, ये जो इसका है, अभी मेरे को बैलेंस नहीं बन रहा वीडियो के साथ, ये देखो जैसे इसको दबा दिया तो ये चल पड़ी आगे, ये देखो भाई, वैसे मतलब एक्सपीरियंस बढ़िया है। ये देखो मतलब अभी तो इसकी स्पीड यहाँ यूनिवर्सिटी में इसीलिए कम है, वैसे इसकी स्पीड अच्छी खासी होती है। मतलब यूनिवर्सिटी की वजह से अभी इसकी स्पीड थोड़ी कम है। और ये ब्रेकिंग वगैरह का सिस्टम भी अपने आप ही है इसके अंदर। तो भाई जैसे कि आप मैंने आपको दिखाया है कि भाई जस्ट सिर्फ आपने ऐप के अंदर जाके, जैसे ही मैंने स्कैन करा, स्कैन प्रॉपरली मतलब हुआ भी नहीं स्कैन, जरा सा उसने मतलब देखा और फटाफट से ऑन हो गया। तो मतलब ये मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ये देखो भाई, और मतलब अभी स्पीड प्रॉपर मैं अगर इसको बताऊं तो प्रॉपरली ये जाती है 13-14 की, मतलब इसकी स्पीड है टोटल। अभी तो 8 इस पर इसलिए चल रही है क्योंकि अभी ये यूनिवर्सिटी के अंदर है जी। ये देखो, अभी आपको दिखाऊंगा यूनिवर्सिटी का बोर्ड। ये जैसे ही क्रॉस होगा तो ये अपने आप ही, ये देखो यूनिवर्सिटी का बोर्ड आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स का। अब जैसे ही ये क्रॉस होगा वैसे ही आपने मतलब फटाफट से, आपको दिखाता हूँ मैं, इसकी स्पीड जो है वो डबल हो जाएगी। अब एक मिनट ज़रा मैं, अब यहाँ पे जो है वो रेड साइन है तो हमें रुकना पड़ेगा अभी थोड़ी देर के लिए, जब तक के लिए ये ग्रीन नहीं होता यहाँ पे, आपको जैसे पता ही है। बाकी भाई यहाँ पर आपके, अगर आपको मैं पैसों की बात बताऊँ कि कितने पैसे लगते हैं इसमें, एक मिनट, अगर मैं आपको बताऊं कि कितने पैसे लगते हैं इसमें, तो भाई इसमें मेरे हिसाब से अब थोड़ा सा रेट इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, 15 पेंस कर दिया, इससे पहले 18 पेंस था, ठीक है। तो 18 पेंस पर मिनट के हिसाब से ही लेते हैं, चार्ज करते हैं, ठीक है। तो बाकी अब राइड का एंजॉय करो, आपको बाद में बताता हूँ। ग्रीन लाइट हो चुकी है, एक मिनट, एक साइड की ग्रीन हो गई, एक साइड की नहीं। ये देखो, एक साइड की ग्रीन हो गई, एक साइड की नहीं हुई, एक साइड की रेड ही है। तो भाई अब जल्दी से आप एक राइड एंजॉय करो, थोड़े सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, फिर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ टियर के बारे में कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी होती है। चलो भाई, तो भाई यहाँ पे आपको मैं इसकी प्रॉपर स्पीड दिखाता हूँ कि भाई ये कितनी जाती है, देखते हैं भाई एक बार। जैसे ही 3 पे गई, ठीक है, एक, एक तो प्रॉपर बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल है कैमरे के साथ साथ। ये देखो भाई कितने में आ गई, आप लोग देख ही सकते हो, 12-13 की स्पीड पे चल रही है ये, ठीक है। यार कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो गाइज़ थोड़ा सा आपको मैं हिल का भी थोड़ा आइडिया दिखा देता हूँ, थोड़ी सी मतलब हिल है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं भाई कितनी उसमें चलती है ये, एक मिनट। ये हिल पे चल रही है ये देखो, हिल पे भी 9 की स्पीड है, विच इज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया। ये देखो, ये भी थोड़ी हिल है भाई, ये 11 की स्पीड पे चल रही है, 11-12। तो भाई मतलब हिल पे भी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। देखो एक और खड़ी है यहाँ, तो भाई यहीं से लेके जा रहा हूँ। भाई सबसे बड़ी बात क्या है कि आप टाइम से मतलब पहुंच जाते हो अपना डेस्टिनेशन पे, जहाँ भी आपको जाना है। तो भाई जैसे कि अब मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूँ, अपने घर पे आ गया हूँ। तो भाई जल्दी से इसके नीचे स्टैंड लगाया, ठीक है। और यहाँ पे अब जल्दी से आपको ऐप के पास वापस लेके जाता हूँ क्योंकि हमने अब एंड करनी है राइड। तो चलो भाई, तो यहाँ पे जैसे कि हम एंड पे क्लिक करेंगे, एंड राइड करेंगे, तो वैसे ही राइड एंड हो जाएगी और हमें एक फ़ोटो खींचनी होगी उलो की। और यहाँ पे हमारे पैसे आ जाएंगे भाई सामने 2.52 भाई साहब। तो भाई जैसा कि आपने देख लिया वीडियो, मैंने जैसे ही टियर एंड किया तो उसमें पैसे सामने सामने लिखे आ गए 2.52। एक्चुअली क्या है कि वैसे यूनिवर्सिटी से यहाँ तक का मेरे को, अगर मैं नॉन स्टॉप जाऊँ तो मेरे को सिर्फ 8 मिनट या 6-7 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो मेरे 1.8 1.9 ऐसे लगते हैं, 1.9 pence करके कुछ ऐसे लगते हैं। लेकिन आज वीडियो बना रहा था साथ साथ, तो इस चक्कर में टाइम ज़्यादा लग गया। तो टाइम के अकॉर्डिंगली होता है ये, जैसे जैसे मिनट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पैसे बढ़ते जाएंगे। तो इस चक्कर में मतलब इसको आप रफली आइडिया मतलब लगाना कि अगर आप जैसे यूनिवर्सिटी के क्लोज़र वो भी होता है ना कि आप कितने क्लोज रहते हो यूनिवर्सिटी के, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी के अपने क्लोज़र रहते हो तो भाई फिर आपको मतलब 5 से 7 मिनट लगेंगे अपनी यूनिवर्सिटी से घर जाने में। और कोई कोई रोड होती है जिसपे मतलब इसकी जो स्पीड लिमिट सेट करी होती है 8-9 की, और किसी किसी पे तो 14-15 भी जाती है कभी कभी ये, ठीक है। तो बीच बीच में जाती है, बीच बीच में अपने आप ही कम होती रहती है, अपने आप ही ब्रेक्स लगती रहती हैं। तो बाकी मेरे को ये ऑप्शन थोड़ा बढ़िया लगता है, ठीक है। क्योंकि भाई आप जैसे अगर आप साइकिल्स वगैरह चलाते हो, ठीक है, एक तो सब लोग बैटरी वाली साइकिल नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है। जो जो कर सकते हैं अफोर्ड वो करेंगे, ठीक है, वो बाय कर लेंगे। बट जो जो नहीं कर सकते, जैसे मैं नहीं कर सकता अभी, ठीक है, मेरे पास नॉर्मल साइकिल है, तो कभी कभी मैं ये यूज़ कर लेता हूँ कि भाई मतलब हिल वगैरह पे चढ़ाने में बहुत मुश्किल होती है ना साइकिल्स नॉर्मल, तो इस चक्कर में। तो भाई बाकी आपको मैं टियर का जो ऐप है उसका मैं लिंक जो है प्ले स्टोर का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे जाके सिर्फ आपने लॉगिन करना है, ठीक है। और आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि भाई कैसे आपने जो प्रोविजनल लाइसेंस है वो बनवाना है। बाकी भाई बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अगर मेरे से नाराज़ हो तो भाई प्लीज़ भाई माफ़ कर दो। अब अगली बार से पक्की बात है, अब जो है वीडियोज़ वो रेगुलरली आएंगी। मेरे को पता है मेरी ऑडियंस मेरे से नाराज़ बैठी है क्योंकि मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली है। तो आई एम रियली सॉरी वंस अगेन सबको कि भाई मैं वीडियोस डालनी बंद कर दी। और भाई मतलब बहुत लोगों को था कि हाँ वीडियोस आएंगी, बहुत मेरे को मैसेजेस भी आए इंस्टाग्राम पे भी कि भाई वीडियोस नहीं आ रही। तो भाई अब से वीडियोस भी आएंगी। और भाई 1 ईयर का जो चैलेंज है वो भी मैंने एक्सेप्ट किया है यूट्यूब पे, मतलब कि भाई मैं 365 डेज चैलेंज लिया है यूट्यूब पे, और उसे भी मतलब कंप्लीट करने में आप लोग मेरा साथ दोगे, ठीक है। बाकी बस वीडियोस को, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जो वीडियो में कमी दिख रही हो या आपको लग रहा हो कि भाई हमें ये चीज़ जाननी है या कुछ जानना है, तो इंस्टाग्राम आपके सामने आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे आके आप मैसेज कर सकते हो, मेरे को बता सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में पूछ लोगे, वहाँ भी रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी भाई यही था आज की वीडियो के अंदर, मिलते हैं आपसे अगली बार। अगर वीडियो पसंद है वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।